हेलो फ्रेंड्स, शोभा बोरवाल क्रिएशंस में आज हम देखेंगे कि ज्वारों के बीच में कलश की स्थापना कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें तैयारी करनी है। जो भी कलश आप लेंगे उसमें आप रोली से साथिया बना लीजिए और इसके इस भाग पर मौली बांध देनी है। हमें जो कलावा होता है वह बांधना है। इसी तरह से जिस बर्तन में हमें जौ लगाने हैं, जिस पॉट में जौ लगाने हैं, उसमें भी हम रोली से साथिया बना लेंगे और इसके ऊपरी भाग पर मौली, जो लाल धागा होता है, वह बांध देंगे। अब आगे का प्रोसेस हम करेंगे। कलश के लिए नारियल भी हमें तैयार करना है। नारियल पर भी हमने रोली से साथिया बना लिया है और मौली को बांध दिया है। कुछ आम के पत्तों की भी हमें आवश्यकता होगी। जिस मिट्टी को जौ के लिए हम भरेंगे उसे हमने अच्छी तरह से कंकड़ मिट्टी बीन करके साफ कर लिया है। इसमें जरा भी पत्थर नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास मोटी चलनी हो तो आप उससे मिट्टी को छान लीजिए। अब इस पॉट में हमें जौ लगाने हैं, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जिस कलश की स्थापना हमें करनी है उसे हम बीच में रखेंगे। हम देख लेंगे कितनी जगह पर हमें मिट्टी नहीं भरनी है। जिस जगह कलश रहेगा वह जगह पॉट में खाली रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले कलश को हटा देते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह का एक साइज थोड़ा बड़ा डब्बा या कोई भी ग्लास है, कुछ है, इस तरह का बीच में रख देंगे। अब इस डब्बे के चारों तरफ हम मिट्टी भरेंगे। डब्बे वाली जगह मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिससे वहां पर हम कलश बैठा सकें। इस तरह से इस डब्बे के चारों तरफ हम मिट्टी भर देंगे। इस तरह से हमने मिट्टी भर ली है। अब इसके बाद जौ है इसे हम इसके चारों तरफ मिट्टी के ऊपर छिड़क देते हैं। देखिए, इन्हें हमने भिगोया नहीं है, ऐसे सूखे हैं। जितने ज्यादा घने आप डालेंगे उतने ज्यादा जौ के ज्वारे अच्छे निकलेंगे। जौ से मिट्टी कवर हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी हम और छिड़क देते हैं। इस तरह से जौ को हमने मिट्टी से कवर कर दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी में थोड़ा गंगा जल मिक्स कर देते हैं और इसमें बहुत ही धीरे धीरे पानी डालेंगे। धीरे इसलिए डालेंगे, ये जौ जो है ज्यादातर मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, फिर उन्हें कवर करना पड़ता है। अब जो जौ ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें फिर हम कवर कर देंगे। जौ दिखने नहीं चाहिए जरा भी मिट्टी के ऊपर। लेकिन ये जो पानी मिट्टी में हमने डाला है इसे हमने 30 सेकंड के लिए गैस पर हल्का सा गर्म कर लिया है। गुनगुने से भी कम गर्म करना है हमें। पानी हम हल्का गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये नया पॉट होता है वह पानी डालने से ठंडा हो जाता है, और जब ठंडे पॉट में हम मिट्टी भर के पानी डालते हैं तो वह मिट्टी भी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और जो जौ है वो बटरा जाते हैं और उनकी ग्रोथ में फर्क पड़ता है। लेकिन बिल्कुल गुनगुने से भी कम अगर गर्म पानी हम डालते हैं इसमें तो इसका टेम्परेचर जो है वो बैलेंस्ड रहता है। सारे जौ ढक गए हैं हमारे। अब ये जो कलश है, कलश में हम थोड़ा गंगा जल डालेंगे और इसमें एक का सिक्का डाल देते हैं और आम के 5 पत्ते रख के उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। आम के 5 पत्तों को इस तरह से हम रख देते हैं। और इसके ऊपर नारियल रखेंगे। अब इस डब्बे को हम सावधानी से हटा देंगे। बहुत ही सावधानी से हटाना है कि अंदर मिट्टी सरक ना जाए। देखिए इस तरह से, और इसके बीच में हम घट स्थापना करेंगे। इस तरह से हम इसे रखेंगे। और ये जो आजू बाजू की मिट्टी है, अब हम कुछ आम के पत्ते लेंगे और ये जो आम के पत्तों में उसे हम इस तरह की जो डंडी होती है कट कर देंगे। इसे हमको कवर करना है। तो अब इसके ऊपर हम थाली तो ढक नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, आम के पत्तों से हम इस मिट्टी को ऐसे कवर कर देते हैं, इस तरह से।
और इसे हम तीसरे दिन देखेंगे। जैसे आज पहला दिन हुआ, कल दूसरा और उसके बाद वाला दिन तीसरा। दैट मींस आज हम ये लगा रहे हैं जौ, हम परसों इसको खोल कर देखेंगे। परसों तक ये पत्ते ऐसे ही कवर्ड रहेंगे। कवर नहीं करने से जौ की ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है, इसीलिए हमें इसे कवर करना पड़ता है। नवरात्रि ज्वारे से रिलेटेड 15 से ज्यादा वीडियो मेरे चैनल पर हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप उसे देख सकते हैं, उसमें हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। इस तरह से हमने मिट्टी को कवर कर दिया पूरा। अब इसे जहां हम माता की पूजा करते हैं वहां पर सूटेबल जगह पर इस कलश को और जौ के पॉट को रख देंगे। अब हम इसे परसों देखेंगे खोलकर। मैं आपको अपडेट देती रहूंगी इसका। 48 आवर्स पहले हमने इन आम के पत्तों से जौ को ढका था। जो जौ हमने मिट्टी में लगाए थे आज हम उन्हें खोलकर देखेंगे। 48 आवर्स के बाद हम इन लीव्स को हटा रहे हैं। ये लीव्स सूख गए हैं, देखिए, और इन्हें धीरे धीरे हटाएंगे और हम देखेंगे कि मिट्टी में जौ के कितने अंकुर निकले हैं। इस तरह से धीरे धीरे इन सारे लीव्स को हटा देंगे और अंकुर देखेंगे हम। जौ के काफी अंकुर इसमें निकल आए हैं। जौ के अच्छे अंकुर निकलना पूजा का अच्छा संकेत होता है। अब हम एक लुटिया में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा गंगा जल डालेंगे और इस पानी को हम मिट्टी पर डालेंगे। इस तरह से मिट्टी में हमें पानी डालना है। अभी देखिए अंकुर बहुत ही छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आपको जूम करके बताती हूँ, और दिन पर दिन ये अंकुर अब बढ़ते जाएंगे। इसमें हाफ कप के करीब हम पानी डाल देते हैं। अंकुर आपको दिख रहे होंगे, देखिए ये वाइट अंकुर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सारे अंकुर यहाँ पर धीरे धीरे निकल रहे हैं। कल फोर्थ डे होगा। फोर्थ डे के दिन अंकुर हमारे कितने बड़े हुए यह हम देखेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि जिससे मिट्टी मॉइस्ट रहे, मिट्टी सूखना नहीं चाहिए। आज ज्वारे लगाने का फोर्थ डे है। कल ये बहुत ही छोटे छोटे अंकुर से थे इसमें, आज देखिए कितने बड़े हो गए हैं। ज्वारे बहुत ही अच्छे हुए हैं। फोर्थ डे से ज्वारों की ग्रोथ बहुत ही रैपिड हो जाती है और बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं ये। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमेशा मिट्टी को हमें मॉइस्ट रखना है। पानी डालते ही आप तुरंत देखेंगे कि ये कुछ तेजी से बढ़ने लगे हैं। कल पांचवा दिन है, आज फिफ्थ डे है। आज ये पांचवे दिन के ज्वारे हैं। कल कितने छोटे थे, आज देखिए कितने बड़े हो गए हैं। इस तरह से थोड़ा पानी डालेंगे जिससे मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। अब कल सिक्स्थ डे के ज्वारे हम देखेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे कि डे बाय डे ज्वारे कैसे ग्रो कर रहे हैं। और एट्थ डे अगर आप अष्टमी करते हैं या नाइन्थ डे आप नवमी मनाते हैं, तब तक हमारा यह कलश ज्वारों के बीच में रहेगा। उसके बाद आप जैसे पूजा संपन्न करते हैं उसी तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। ये सिक्स्थ डे के ज्वारे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ज्वारों की ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वह वैसी नहीं है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी और ज्वारों की इससे ज्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करेंगे इसका भी उपाय हम आगे देखेंगे। कल हम सेवेंथ डे के ज्वारे देखेंगे। आज सेवेंथ डे है। सेवेंथ डे के ज्वारे हैं, इतने बड़े हुए हैं ये। कल अष्टमी और नवमी दो दिन में ये और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज आठवां दिन है और हमारे ज्वारे आज इतने बड़े हो गए हैं। कल नवमी है, कल ये और बड़े हो जाएंगे ज्वारे। आज नाइन्थ डे है, नौवे दिन हमारे ज्वारे देखिए इतने बड़े हो गए हैं। ज्वारों की कुछ पत्तियां अब बाहर की तरफ आने लगी हैं। ये देखिए इस तरह झुकने लगी हैं पत्तियां। अगर ये पत्तियां ज्यादा झुकने लगती हैं, तो हम इन्हें मौली से बांध देते हैं। इस तरह से मौली के धागे से हम इसे बांध देंगे जिससे पत्तियां गमले के बाहर की तरफ लटक के टूट ना जाएं। हमने देखा ज्वारों के बीच में कलश स्थापना कैसे की जाती है। ज्वारों के बीच में कलश स्थापना करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको कहा था इसमें ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है जैसे ज्वारों की ग्रोथ होनी चाहिए। उसका यह कारण है कि अगर पॉट छोटा होगा तो क्या होता है कि मिट्टी में जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है। देखिए जैसे यह पॉट छोटा है, छोटे पॉट के हिसाब से फिर भी इसमें ज्वारे
काफी अच्छे हुए हैं। लेकिन हमें अगर ग्रोथ चाहिए, सामान्यतः जब पॉट में हम सिर्फ जौरे लगाते हैं, अगर वैसी ग्रोथ हमें चाहिए तो हमें बड़े साइज के पॉट में जौरे प्लस कलश लगाना चाहिए, तो जौ की जो जड़ें हैं मिट्टी में अच्छी तरह से फैल सकेंगी और बहुत अच्छे ग्रो होंगे जौरे। जौरों के बीच में कलश स्थापित करने का वीडियो, अगर आपको इसका यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है, यह एब्सोल्युटली फ्री है। धन्यवाद।